हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, मेगा साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी जी का आज बर्थडे है, और अपने बर्थडे के दिन उन्होंने अपने फैंस को दिया एक बहुत बड़ा ही गिफ्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी अपकमिंग मूवी गॉडफादर का टीजर लॉन्च किया है। और टीजर देखते हैं कैसा ही होगा। बाकी यार, नाम देखो, साउथ की मूवीज आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। बॉलीवुड में तो क्या हो रहा है, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, लाल सिंह चड्ढा खत्म, अक्षय कुमार की मूवी, उसकी रणवीर कपूर की मूवी आई थी शमशेरा, वो भी खत्म हो गई। मतलब इतना बॉयकॉट कर दिया है बॉलीवुड को कि अच्छा स्टफ देखना चाहती है आज की डेट में, क्योंकि लोगों ने KGF देख ली, पुष्पा देख ली, तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बहुत हाई हो चुकी है। अब लोगों को जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको अपना अच्छा करना पड़ेगा, बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बेस्ट करना पड़ेगा, तभी उनकी जो मूवीज वगैरह जो आ रही हैं अपकमिंग आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आप देखो, अब क्या मानता है पब्लिक को, ये नहीं रोमांस वोमांस कोई वो नहीं है कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है, मतलब लोगों को देखने में बस लोगों को क्या है कि बस सस्पेंस और अच्छा चीज़ देखें। जैसे पुष्पा मूवी देखी आपने, KGF मूवी देखी, उसमें भी है थोड़ी बहुत चलता है, पर यार वो तो खैर अलग ही चीज़ है। पर जो शमशेरा मूवी है रणवीर कपूर की, वो तो मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी मूवी है, बहुत बेकार मूवी थी, मैंने नहीं देखी वैसे। पर जैसे उसके IMDb पे रेटिंग्स वगैरह देखी, लाल सिंह चड्ढा की देखी, सब पीछे खत्म है। रक्षाबंधन आई अक्षय कुमार की, वो भी खत्म। उससे पहले पृथ्वीराज आई, वो भी नहीं चली इतनी। और कई सारी मूवीज है जो धीरे धीरे, मतलब बॉलीवुड का जो बॉयकॉट चल रहा है ना आजकल ट्रेंड में, वो बहुत भयंकर ही चल रहा है। और उसमें ही तापसी पन्नू और आपके जो अनुराग कश्यप है उनकी मूवी आई थी दोबारा, वो भी नहीं चली है, वो भी एकदम लोगों ने बॉयकॉट ही कर दिया है। वो तो एक्चुअली इंटरव्यू में भी आपने देखा ही होगा, कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो हमारी पिक्चर, बॉयकॉट करो। ये घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी एक्टर या जो भी प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं। बाकी ये अभी जो टीजर लॉन्च हुआ है गॉडफादर का, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर चिरंजीवी जी। और जो टीजर लॉन्च हुआ है गॉडफादर का, उसे देखते हैं और कैसा होता है कैसा नहीं, बाकी तो देखने के बाद भी बदलेगा। और चलते स्टार्ट करते हैं और करते हैं उसके बारे में बात वीडियो के साथ। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बीस साल कहाँ गए पता भी नहीं चला, बस 6 साल पहले आया था वो, और अब लोगों में उसने बहुत अच्छा नाम कमा लिया है। चाहे कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। He's the reason for every goddamn thing. Kill him. Do you know who he is? He's the boss of the bosses. Our one and only Godfather. Yeah, mega star Chiranjeevi. देखो यार, साउथ की मूवी का जो स्टार्टअप होता है ना, चाहे उसके डायरेक्टर हो चाहे वो हिंदी मूवी क्यों ना बना रहे हो। जैसे आपने अटली कुमार की देखी थी वो जवान में, जब वो जो म्यूजिक देते हैं पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, या क्या BGM चूज करते हैं यार ये लोग। मतलब कुछ भी कहो यार, साउथ की जो मूवीज होती है ना, उसका जो BGM होता है बैकग्राउंड म्यूजिक जब किसी एक्टर की एंट्री होती है, वो गजब का होता है। देखो अब मेगा स्टार चिरंजीवी का एंट्री देखो। लगता है बड़ी लंबी प्लानिंग चल रही है। अपने इस छोटे भाई को भूलना नहीं, कहो तो अभी आ जाता हूँ। वेट फॉर माय कमांड ब्रदर। ओए सलमान खान, नो भाई, लोग पुष्पा देख रहे, KGF देख रहे, और जितनी भी साउथ की मूवीज आ रही है उन्हें देख रहे हैं। बाकी लो जी, ये सल्लू भाई अपने बॉलीवुड का, मैं अभी आपको बता ही रहा था, बॉलीवुड में जो आपका बॉयकॉट वाला ट्रेंड चल रहा है उसको बंद करने के लिए साउथ पहुंच गए भाई जी। अरे यार क्या बात है। हैप्पी बर्थडे मेगा स्टार, हैप्पी बर्थडे सर। यानी कि 5 अक्टूबर 2022 को ये मूवी रिलीज होगी। भाई साहब, चिरंजीवी के साथ आपको दिखेंगे सलमान खान, तो मतलब बॉलीवुड और टॉलीवुड मिलकर करना चाहता है धमाल। दोस्तों चलिए कमेंट की बात करते हैं इस मूवी, इसके जो मूवी है इसके नीचे क्या क्या कमेंट आई है लोगों के। तो इसमें यार सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इसके जो कास्ट हैं उसमें आएंगे, दिखेंगे आपको मेगा स्टार चिरंजीवी,
सलमान खान, नयनतारा, पूरी जगन्नाथ और सत्यदेव, ओ भाव कटप्पा भी है इसमें, तो जो कि इसका म्यूजिक दे रहे हैं थम्बन एस, और जो भी है बाकी चीज़ें हैं, बाकी अब आगे पढ़ते हैं कमेंट्स में, जो लोगों कमेंट्स करते हैं, हमें कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो पहला कमेंट आया है AKB मीडिया से, टॉलीवुड मेगास्टार चिरंजीवी, बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान दोनों मिक्स करके कुछ धमाल करने वाले हैं यार, ये कुछ तेलुगु में लिखा है, समझ नहीं आ रहा है। टीजर लुक वेरी प्रमोसिंग, हैप्पी बर्थडे मेगा स्टार, हैप्पी बर्थडे मेगा स्टार, इट्स ड्रीम कम ट्रू टू वॉच बोथ मेगा स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा कम टुगेदर इन अ फिल्म, एक्साइटेड फॉर द फिल्म, गूज बम्प गारंटीड। सही बात है यार, देखो म्यूजिक से ही ना, मतलब दीवान म्यूजिक से ही गजब का मतलब एंट्री करी है चिरंजीवी जी ने। हैप्पी बर्थडे चिरंजीवी गारू फ्रॉम सलमान खान फैंस, दिस मूवी गोना रॉक द सिल्वर स्क्रीन एज अ ड्यू ऑफ मेगा स्टार पावर। सही बात है यार, दोनों के दोनों 57 के अराउंड ही है। इट विल बी अ ट्रीट फॉर फैंस टू वॉच मेगा स्टार चिरंजीवी एंड सुपर स्टार सलमान खान टूगेदर ऑन द सिल्वर स्क्रीन, बकल अप, गॉड फादर इज कमिंग दिस दशहरा। नहीं, मैं दशहरा में एक मूवी रिलीज हो रही है अक्टूबर में, और ये हो रही है 22/5/10। गॉड फादर इज वन ऑफ द बेस्ट टीजर आई सीन इन अ लॉन्ग टाइम एंड ऑलवेज ट्रीट टू सी चिरंजीवी एंड सलमान खान भाई इन सेम फ्रेम। The way they introduced Salman Khan just made my day. The BGM is next level. Thank you, Thamman. सही में यार, जो म्यूजिक का BGM है ना यार, बहुत गजब ही दिया गया है, बहुत गजब दिया गया है। मतलब आप देखो चाहे भी कोई भी साउथ की मूवी उठा लो जिसमें भी एंट्री होती है हीरो की, तो यार वो म्यूजिक गजब ही होता है। Absolutely mind-blowing teaser. Two mega star from two industries. It gonna be outstanding. Actually, two film industry जो लिखते हैं ना यार, मेरे को अच्छा ही लगता है। इसको लिखना चाहिए हमेशा इंडियन सिनेमा, टू मेगा स्टार्स फ्रॉम इंडियन सिनेमा, ये ज़्यादा अच्छा होगा। फ्रॉम टू अदर फिल्म्स इंडिया में तो दिखाई। तो दोस्तों ये थे कुछ कमेंट्स गॉडफादर मूवी जो अपकमिंग है चिरंजीवी जी की, उसके टीजर के नीचे। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।